ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में खासी कमी आ गई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 1,700 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 181 करोड़ 21 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर और आपके स्वास्थ्य को लेकर तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर पीयूष, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार और तमाम सुनने वालों को मेरा अभिनंदन। श्रोताओं, आप कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर पीयूष से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342174 पर पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 0112342174। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर पीयूष, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं देश में जो कोविड की वर्तमान स्थिति है, जिस तरीके से लोगों ने इसका मुकाबला किया, और आज अगर हम आंकड़ों को देखें तो 1,500 से थोड़े से ज्यादा मामले आए हैं, स्थिति काफी नियंत्रण में है, लोगों की इसमें बड़ी भूमिका रही है, क्या कहेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही कि इस कार्यक्रम में बहुत समय से आपके माध्यम से लोगों से जुड़ने का मौका मिला। हमने एक वो भी दिन देखा जब स्थिति बड़ी भयावह थी, लेकिन आप सबों की मदद से जो तमाम स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, उन सबों ने हाथ से हाथ मिला करके एक ने अपनी सर्दी की खुशी। जी डॉक्टर पीयूष, आप थोड़ी सी लोकेशन चेंज करेंगे, थोड़ी सी आवाज धीमी आ रही है ताकि हमारे श्रोताओं को साफ सुनाई दे। जी जी, क्या मैं? जी बिल्कुल 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 क्लियर आ रही है। जी तो मैं चर्चा कर रहा था कि वो एक मुश्किल समय खत्म हो चुका है लगभग, और तमाम तरह की जो बंदिशें पाबंदियां हैं वो भी ईज डाउन होने की कगार पर हैं, और इसमें तमाम लोगों का जो एक योगदान रहा है वो काफी सराहनीय रहा है, और यह एक काफी सुखद माहौल है। और बस यही है कि हमने आपस में मिलजुल कर इस पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब को आगे बढ़ाते रहना। जी बिल्कुल, और जो पॉजिटिविटी की आपने बात की है, इसमें लोगों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर था जो कि अभी भी है, लेकिन जो सकारात्मकता है जैसा कि आप बात कर रहे थे, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? जी, मैं कुछ अपनी कविता की कुछ पंक्तियां लोगों को कहना चाहूंगा कि इस अंदाज से हर दिन को जीते रहना, खुश रहना और खुशियां बांटते रहना। पसरा हो चाहे हर ओर घनघोर अंधेरा, पसरा हो चाहे हर ओर घनघोर अंधेरा, तूफान में भी तुम दिया जलाते रहना। लफ्ज वो जो लगा दे जख्मों पर मरहम, हाथ बढ़ाकर सबके आंसू पोंछते रहना। और खत्म ही होनी है एक दिन सबकी कहानी, खत्म ही होनी है एक दिन सबकी कहानी, किरदार ऐसा जीना कि याद आते रहना, इस अंदाज से हर दिन को जीते रहना, खुश रहना और खुशियां बांटते रहना। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, खुश रहना और खुशियां बांटते रहना, यही हम सबका मूल मंत्र होना चाहिए जीवन का, और आपने जो है जिस तरीके से इसको शब्दों में पिरोया है, और मुझे लगता है कि जिस तरह के वातावरण में एक डॉक्टर जिस तरह का जीवन जीता है, लोग बहुत परेशान होकर उसके पास आते हैं, और पीछे जो मंजर देखा है लोगों ने कोरोना का, तो उन सब चीजों को, स्थितियों को देखते हुए ये बहुत जरूरी है कि इन खुशियों को हम लोगों तक बांटते रहें।
डॉक्टर पीयूष, थोड़ी सी बात वैक्सीनेशन की करते हैं। अभी जैसे 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है बच्चों में, आप अपने अस्पताल में कैसा देखते हैं? जी, ये एक जैसा हमारे देश की सरकार ने भी ये किया कि शुरू से ही जो वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी थी उसको सकारात्मक न्यूज के द्वारा उसको कम करने की कोशिश की गई। और अभी जो इन सभी कोशिशों की वजह से अभी जो स्थिति है कि लोग पहले ही वैक्सीनेशन को लेने के लिए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं देखी गई। मैं हर दिन समाचार पत्र में पढ़ता हूँ कि अलग अलग स्कूल ने भी अपने अपने क्लासरूम में या अपने स्कूल परिसर के अंदर में ही उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव में हाथ से हाथ मिलाकर के किया है, तो लोग बच्चे ले रहे हैं और ये बहुत ही सकारात्मक पहल है। क्योंकि जो तीसरे वेव में हमने देखा कि बगैर किसी खास परेशानी की ये हमारे देश से गुजर गया, इसकी एक बड़ी वजह वैक्सीनेशन ड्राइव का भी होना है। जी हेलो। जी 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 बिल्कुल, वैक्सीनेशन ड्राइव एक बहुत बड़ा कारण बना कोविड को कंट्रोल करने में। डॉक्टर पीयूष, जो स्लीप डिसऑर्डर है इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे आपकी। जी, आपने इसके ऊपर विशेष पढ़ाई की है और इसमें आपने बहुत सारी जो है स्टडी की है, तो जो बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो स्लीप डिसऑर्डर से परेशान रहते हैं, नींद ना आने की शिकायत करते हैं, या एक बार नींद आ जाती है तो फिर रात में खुल जाती है तो दोबारा नहीं आती, इसका क्या कारण है और कैसे स्लीप मैनेजमेंट किस तरीके का रहना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना ये तभी हो पाएगा जब आप एक स्वस्थ दिनचर्या रखेंगे। जी जी, आपने बहुत अच्छे बात कही। देखिए, जो निंद्रा से संबंधित जो कोई भी परेशानी है उसको हम लोग दो भाग में बांट सकते। पहला ये हुआ कि स्लीप के क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी, यानी कि इसके अंदर में वो सारी चीज आ सकती हैं जिसमें कि नींद का ना आना, जो अनिद्रा की बात हम लोग कहते हैं, एक ये हो गया। और दूसरा ये हो गया जिसमें कि स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, यानी कि नींद के समय में अत्यधिक खर्राटे का आना, तो ये भी एक स्लीप से संबंधित एक दूसरी और महत्वपूर्ण परेशानी है जिस पर भी हम लोग चर्चा कर सकते जी। तो सबसे पहले आपके पहले प्रश्न की तरफ कि ऐसे लोग जो कि अनिद्रा से ग्रसित हो सकते हैं उनको क्या कोशिशें करनी चाहिए और जिसे हम लोग कहते हैं स्लीप हाइजीन, वो दरअसल क्या चीज है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि नींद की शुरुआत आने में नींद आने में दिक्कत होती है, तो यूजुअली कुछ रूल ऑफ थम्स होते हैं कि नंबर एक ये कि अगर आपको कोई मानसिक चिंता विकार या अवसाद ऐसी अगर परेशानी अगर आपको हो रही है तो आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं और उसका आप निदान कर सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो ये हुआ कि आपको अगर जैसे कि रात को सोने से पहले जो आप अपने पैर को धो करके ये करें, शाम को जो है भोजन नींद के पहले अगर आपको भोजन करना है तो 2-3 घंटे का आप गैप ले लें और आधे घंटे तक कम से कम जो है वो शाम को टहलने के लिए निकल जाएं, जो फिजिकल एक्जर्शन होता है अगर वो होता है हो जाए आपको ठीक से जी। फिजिकल एक्टिविटी ठीक रहे तो नींद ठीक से आती है। जो आपका बिस्तर हो उस पर कभी भी आप जो है सोने के अलावे दूसरे चीज के लिए ना जाएं, ठीक है। और रात को सोते समय जैसे मोबाइल में स्क्रीन टाइम या इन सभी चीजों को आप बिल्कुल कट करके रखें, तो ये सारी चीजों को अगर आप पालन करेंगे तो आपकी जो स्लीप की क्वालिटी जो होगी वो बेहतर होगी। और अगर आपको इसके बावजूद भी अगर दिक्कत हो रही है तो आप जरूर किसी न किसी फिजिशियन से मिलें और जो जरूरत होने पर उचित डॉक्टरी सलाह के बाद ही आपको वो जरूरी दवाइयां भी शॉर्ट टाइम के लिए दे सकते हैं। यहां मैं लोगों को इस बात के लिए सावधान करना चाहूंगा कि अपने मन से ओवर द काउंटर वो नींद की दवाइयां बिल्कुल भी ना लें जी, और उचित डॉक्टरी परामर्श के बाद ही वो ऐसी दवाइयां अगर उन्हें सलाह दी जाए तब वो लें। जी बिल्कुल। और दूसरी आपने बात की कि नींद में खर्राटे लेने की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कई बार तो डॉक्टर पीयूष ऐसा भी देखा गया है कि कई सार्वजनिक स्थानों पर जब आप किसी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ऐसे जगह आपके जो को पैसेंजर्स होते हैं वो आपको उठा भी देते हैं कि भाई साहब
ये क्या हो रहा है। तो इस तरह की उन्हें कई बार सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं और कैसे खर्राटों को कम कर सकते हैं? ये जो इस तरह से खर्राटे या फिर जो इस तरह की दिक्कत होती है, उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। यानी कि नींद के समय में कुछ कारण होते हैं जिसके द्वारा कि जो आपकी सांस की नली जो है, जो कि आम लोगों में आराम से वो चलते रहता है, तो वो दब जाती है और उसके उसमें अवरोध पैदा होने की वजह से जो है खर्राटे या तेज सांस लेने की समस्या होती है। जी, इसपे मूल तौर पर दो होता है, एक तो जो कि वो और दूसरे लोगों को परेशानी होती है, जैसे ट्रेन पर यात्रा करते समय या दूसरी चीज हो, या घर पर भी जो आपके परिवार के सदस्य जो आपके साथ आपका कमरा या बिस्तर शेयर करते हैं, तो उन्हें परेशानी हो जाती है, तो उनके नींद में अवरोध होता है। लेकिन ये एक समस्या का एकमात्र एक छोटा सा हिस्सा है। इसका एक बड़ा हिस्सा ये होता है कि जो जब जब इनका नींद जो खर्राटे की वजह से बीच बीच में इनकी सांस रुक जाती है, तो इनका स्लीप जो है वो बीच बीच में टूटते रहता है। तो ऐसे लोगों को एक्सेसिव डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं, यानी कि दिन के समय में इन्हें बहुत ज्यादा निंद्रा आने की ये होती है। ये दिन भर सो के उठने के बाद भी फ्रेश महसूस नहीं करते हैं और बार बार जो है इनको दिन में भी जो झपकी और ये सारी चीजें आती हैं। ऐसा देखा गया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी ऐसे लोग जिनको कि रात को सोते समय जो तेज खर्राटे या इस तरह की चीज आती है, इनके कारण बहुत सारी दूसरी परेशानी होती है, जैसे कि वो डायबिटीज का शुगर बढ़ जाना, हाइपरटेंशन हो जाना, और इसके साथ साथ जो है वो जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हैं वो होने लग जाते हैं, और लंबे समय के बाद चूंकि वो दिन के समय में फ्रेश नहीं रहते हैं, इसलिए उनको जो है बार बार दिन के टाइम में नींद आने की दिक्कत होती है। ऐसे लोग जब कभी भी ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट या ऐसी चीज हो जाती है। जी, हमारे अपने मेडिसिन डिपार्टमेंट में हम लोगों ने मिलकर के इसके लिए गाइडलाइन भी बनाया है, जिसको कि हम लोग इनोसा गाइडलाइन या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम गाइडलाइन भी ये कहते हैं, तो वो भी वो पब्लिक डोमेन में है, ICMR के साथ बनाया गया था, तो इससे भी जन जागरण से संबंधित चीजें ये की जाती। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से श्रोताओं डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इससे आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं और एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अब रात का समय है और बहुत सारे लोग इन चीजों को फॉलो कर जरूर कर रहे होंगे, और इस बीच बहुत सारे लिसनर्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं डॉक्टर पीयूष। और हमारे स्टूडियो में जो पहले कॉलर हैं मोहम्मद आरिफ, शहरी तहजीब लखनऊ से जुड़ गए हैं। आरिफ साहब नमस्कार। जी आदाब सर। जी बताएं कैसे हैं आप? जी मतलब तो मैं आकाशवाणी के सभी अधिकारियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी जानकारी आप लाते हो, क्योंकि परमानेंट प्रोग्राम आता है तो सुनकर बहुत अपनी मालूमात में इजाफा हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया सर। और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार आरिफ जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैंने जो है ये 28 दिसंबर को पहला जो है वैक्सीन लगवाया था टीका, तो उसको हमको बताया था कि अब जो है आपको ये 3 महीने के बाद लगेगा, तब 28 मार्च को ये पूरा हो रहा है, तो फिर इसे पहले हम लगवाते हैं तो प्रॉब्लम तो नहीं है, या वो समय 28 के बाद ही लगवाएं? जैसा कि आपकी बातचीत से लग रहा है आपको 3 महीने का गैप कहा गया है, तो ये शायद कोविशील्ड के लिए आपको कहा गया होगा। जी कोविशील्ड वैक्सीन होगी, ये यूजुअल टाइम है, आप इसका फॉलो करें। देखिए 2-4 दिन आगे पीछे होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चूंकि ये एक नियम के तहत ये लगाया जाता है, सेकेंड डोज भी आपका उसी दौरान आपके स्वास्थ्य केंद्र में आएगा, तो आपको जो 28 मार्च बताया गया है उसी समय लें, और एक आधा दिन आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए ऐसे कोई चिंता वाली। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, हम बात कर रहे थे किस तरह से लोग एक दूसरे को खुश रख सकते हैं, अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं। अब आज की डेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हाइपरटेंशन की है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखें और किस तरह से क्यों बढ़ता है हाइपरटेंशन, क्यों होता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें दवाओं का इफेक्ट क्या होता है, और अगर समय पे दवा ना लें तो हमें किन परिणामों को भुगतना पड़ सकता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे एक और कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से हरदीप जी हैं। हरदीप जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार हरदीप जी।
सिद्धार्थ सिंह जी 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 बताएं जी। हम आपका प्रोग्राम ये पिछले दो वर्षों से सुन रहे हैं जी। पहले इसका आरंभ 9:25 पे होता था जी, बिल्कुल 9:25 फिर अगले दिन ये तो मॉर्निंग में जी रिपीट दोबारा रिपीट होता था 9:30 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपके बहुत आभारी हैं जो आपने ज्ञानवर्धक प्रोग्राम हम तक पहुंचाया आपने इतने टाइम तक जी। हरदीप जी, आप जैसे श्रोता जब हमसे जुड़ते हैं और यहाँ से मिली जानकारी को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग चूंकि सही जानकारी सुनते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सारे एक हम मतलब क्योंकि सोशल मीडिया जब से आया है तब से बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज होती है जो लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं, तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि आकाशवाणी समाचार के माध्यम से हम एक ऐसे कार्यक्रम की बुनियाद रखें और उसे चलाएं जो लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाए जी। हरदीप जी बिल्कुल, आपका भी कहना बिल्कुल चाहे जाए जी। हरदीप जी बताइए क्या जानना चाहते हैं जी। हमारा प्रश्न था जैसे बहुत से लोगों को 6 महीने से ऊपर हो गए दोनों डोज लगाए हुए जी, जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं जी, तो ये वैक्सीन दोनों डोज लगा के मतलब 6-8 महीने बाद और कितने टाइम तक ये कारगर या कितना असर दिखाएगी, कितने साल तक असर दिखाएगी या कितने समय तक जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल हम समझ गए हैं डॉक्टर पीयूष। हरदीप जी जानना चाहते हैं कि वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी है वो कब तक रह सकती है, और जैसा कि अभी इस समय प्रिकॉशनरी डोज भी लग रही है, इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। एक मोटे अनुमान के तौर पर ऐसा बताया गया है कि लास्ट एपिसोड अगर आप जो सेकेंड डोज लेती है डॉक्टर पीयूष, आप दोबारा से कुछ लोकेशन चेंज करेंगे, थोड़ी धीमी आवाज आ रही है जी। अब आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी, जी। जिसमें एक मोटे अनुमान के तौर पर यह बताया गया है कि जब सेकेंड डोज के 9 महीने के बाद तक में जो है इस वैक्सीन में जो एंटीबॉडी लेवल जो व्यक्ति रहता है, जो पेशेंट रहता है, उसमें इतना ज्यादा रहता है जिससे कि प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी रहता है, ठीक है जी। तो 9 महीने के बाद जो है, और अभी जो जो गवर्नमेंट के अनुसार जो है पहले ये प्राइमरी हेल्थ ये जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स कोविड वॉरियर्स के लिए, और अभी 60 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज के लिए ये बात कह दी गई, यानी कि जो हाई रिस्क वाले केस है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और जो सीनियर सिटीजन है, उन सबों को जो 9 महीने से ज्यादा जिनका हो गया है जी, तो उनको प्रिकॉशनरी डोज को लगाने के लिए ये बातें कह दी। लेकिन यह बात साथ ही साथ समझने के लिए है कि प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी कई और दूसरी बातों पर निर्भर करती है, यानी कि सेकेंड डोज के बाद अगर आपको सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया होगा, ये वैक्सीन जो है आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाते हैं बल्कि आपको सीवियर टाइप ऑफ डिजीज से बचाते हैं जी। तो अगर आपको उसके बाद या उसके पहले अगर इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद आपने सेकेंड डोज लिया है, तो ये और भी कुछ ज्यादा समय तक रह सकता है। और ये थर्ड डोज के टाइम में, थर्ड वेव के टाइम में ऐसा देखा गया है कि एक नॉर्मल डिक्टम ये कहा गया था कि एनीवन हु हैज ब्रीद इन मस्ट हैव गॉट द इन्फेक्शन ऑफ इन थर्ड वेव, ये इतना ज्यादा इन्फेक्टिव जी। तो बहुत सारे लोगों में सिम्टोमेटिक भी होकर के निकल गया होगा, तो इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि उनका सवाल था तो 9 से 12 महीना आफ्टर सेकेंड डोज, लेकिन प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी जो है अगर आपको इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके बाद ये लंबे समय तक बना रह सकता है, और आने वाले समय में जो इस संबंध में और ज्यादा डेटा आएगा, और ज्यादा वैक्सीन में जो वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुआ है उसको इनकॉर्पोरेट करके नए नए वैक्सीन और उसका सुधार किया जाएगा। तो लगभग अब जो शुरू के जो कुछ समय थे मुश्किल भरे जो 2 साल थे, जिसमें कि विज्ञान में भी और वैज्ञानिकों को भी बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं था, तो वो अंदाजा लग चुका है, तो अब ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कभी भी जहां कहीं भी आपका नंबर आए, वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं जी। और बड़ौत उत्तर प्रदेश से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब जी को नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, कुछ लोग बाग है जो वैक्सीन लगवाने से कतराते आनाकानी करते हैं, उनको अपने माध्यम से समझाने की कृपा करें कि वैक्सीन जो है सबसे बेहतर जीने का सबसे बढ़िया साधन है जी। बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, वैक्सीनेशन के बारे में आपने पहले भी लोगों को संदेश दिया है, तो महेश शर्मा जी की जो चिंता है वो बहुत लाजमी है, क्या कहेंगे आप?
अब तो ये लगभग खत्म हो गया है कि चिंता की बात जो है वो, बहुत कम वैक्सीन हेजिटेंसी मिला है, लेकिन कुछ लोग जो है अभी भी जो है वैक्सीन को लेकर के जो है थोड़ी सी रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर के रखे हुए हैं, तो उन सबों से मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी न सिर्फ खुद के प्रति है बल्कि समाज के दूसरे लोगों के प्रति भी जी। तो उन्हें वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, जब कभी भी उनका मौका आए, उनका नंबर आए, उनका टर्न आए, वो जरूर लें जी। और डॉक्टर पीयूष, हम लोग बात कर रहे थे हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप की, तो इसके क्या कारण होते हैं, और कई बार देखा जाता है कि लोग इसकी मेडिसिन लेने में थोड़ा घबराते हैं, सोचते हैं एक बार शुरू हो जाएगी तो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, तो अवॉइड करते हैं या इररेगुलर होते हैं मेडिसिन लेने में, तो इसके क्या रिप्रोकेशंस हो सकते हैं? जी, आपने वो काफी अच्छा सवाल पूछा और ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन मैं संक्षेप में कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले कारण के बारे में आपने पूछा, तो कारण ज्यादातर लोगों में ऐसा ये देखा गया है जो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है वो यंग में 30-40-42 साल के लोगों में ऐसा हो जाता है। ये मूल तौर पर पारिवारिक होता है, जिसमें कि फैमिली मेंबर्स को अगर ये हो रहा है तो वो फिर से उनको हो सकता है, कम समय में हो सकता है, नंबर एक। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी चीजें जो कि इसे बढ़ा सकती हैं, उसमें इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि सही समय पर सही नींद नहीं लेना, खाने पीने में जो है वो ज्यादा ये वसा का फैट HFSS सब लोग कहते हैं, हाई फैट सॉल्ट शुगर का प्रयोग करना, जो अत्यधिक फ्राइड चीजों का प्रयोग करते हैं उसकी वजह से ये बढ़ सकता है। एंड जो एक जो आज जो टाइप ए पर्सनैलिटी जिसको कहते हैं, जो अत्यधिक तनाव, बार बार चिंता, एंग्जाइटी ये सब में लोग रहते हैं, उनमें ये ज्यादा देखने को मिला है। तो इन सबों के कारण के साथ साथ जो निदान की बात, तो निदान में हम लोग जो ये बात कहेंगे, जो सबसे अच्छी जो बात है वो अच्छी जीवन शैली, आप नियमित भोजन करें, जो बैलेंस डाइट है वो लें, और अपने वजन को बिल्कुल नियंत्रित करके रखें, ठीक है। और जो फूड जिसे कि हम लोग HFSS कहते हैं, हाई फैट सॉल्ट शुगर, अत्यधिक वसा वाला फैट वाला फूड, अत्यधिक चीनी वाला फूड और अत्यधिक नमक वाला फूड, उसे जितना ज्यादा ज्यादा हो सके परहेज करें। नियमित तौर पर आधे घंटे से लेकर के 45 मिनट एक घंटे तक जो है आप व्यायाम करें हर दिन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात पूछी, जो लोग दवाई लेते हैं, दवाई लेने से कतराते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो फिर दवाई जो है वो कभी भी हमें छूटेगा ही नहीं। तो मैं एक उदाहरण देकर के लोगों को बताता हूं कि अगर मान लीजिए आपके कमरे के अंदर में किसी भी तरह से एक जहरीला सांप आ जाए और आप आंख बंद कर लें और ये सोचे कि सांप तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा, तो आप सांप को एक्चुअली आमंत्रित करेंगे कि वो आपको डस ले, ठीक है। तो नजरअंदाज करने से या डिनायल मोड में जाने के लिए कि नहीं ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर के साथ दो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह एक एसिम्टोमेटिक डिजीज होता है, यानी शुरू के समय में जब आपको ये पता चल सकता है तब तो आपको कोई खास बड़े सिम्टम नहीं होते, ये कॉम्प्लिकेशन के रूप में होता है, तब या तो दिल का दौरा पड़ चुका होता है, गुर्दे खराब हो चुके होते हैं, या फिर वो आपको लकवा मार चुका होता है, तो इस तरह की चीज होती है। तो मेरा सबों से ये निवेदन है कि दवाई ये आपको जीवन भर खानी पड़ सकती, इसलिए नहीं कि आपने कभी दवाई शुरू कर दी, दवाई इसलिए खानी पड़ सकती है जीवन भर क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर या फिर यही बात डायबिटीज पर भी लागू होती है, वो आपको हो रखा। तो दवाई लेने से, अगर आपको डॉक्टरी सलाह दी गई है तो दवाई लेने से कभी न कतराएं, ये एक बड़ी बीमारी नहीं है अगर आप इसके प्रति जागरूक रहते हैं और अपनी जीवन शैली में सही परिवर्तन करके इसे कंट्रोल करते हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित तौर पर दवाई लेते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच गुरुग्राम का रुख करते हैं जहां से सुभाष जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुभाष जी नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। जी सर धन्यवाद। सर मैं अपना सवाल पूछने से पहले कहना चाहूंगा कि सर आज विश्व गौरैया दिवस है। जी बिल्कुल। चूंकि पर्यावरण संरक्षण में अब हर व्यक्ति को अपना भूमिका निभाना चाहिए, पानी जैसे पानी वगैरह इसको बचाने का काम करना चाहिए। जी जी सर मेरा सवाल ये है। जी सर,
सर पेन, किसी सर दर्द हो या पेट दर्द हो, दर्द की दवा कोरोना काल में या कभी भी खाना उचित कहाँ तक रहेगा सर? और दूसरे सवाल ये कि सर अभी जो चीन में चल रहा है क्या उससे भारत में भी ज्यादा अभी आने की संभावना है सर? जी बिल्कुल डॉक्टर पीयूष, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने पूछा कि दर्द की दवा जो हम आमतौर पर लेते रहते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसे बहुत फ्रीक्वेंट लेते हैं, तो क्या हमें दर्द की दवा कितनी फ्रीक्वेंट लेनी चाहिए और कई बार इसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं वो क्या हो सकते हैं? जी देखिए, दर्द की दवा कभी भी या कोई भी दवा बगैर डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। और दर्द की दवा जो है अगर सलाह के बगैर हम, कई लोग ऐसे ही मामूली दर्द या फिर ऐसे ही जो ओवर द काउंटर सेल्फ प्रिस्क्राइब करके लेते हैं, ये दर्द की दवा अगर ज्यादा समय तक ली जाए तो उसकी वजह से जो है गुर्दे भी खराब हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। और साथ में पेप्टिक अल्सर डिजीज जो होता है वो भी साथ में ये पाया जाता है। ये पहले पार्ट का बात हो गया, पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल जो कि ये चीन के संबंध में इन्होंने पूछा कि चाइना में जो फिर से चाइना में और जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देशों में जो है फिर से ऐसे केसेस जो बढ़ते हुए देखे गए हैं, तो उनका उनसे हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए या कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, इसके दो इम्पोर्टेंट बात, आज भी आईसीएमआर ने यह बात कहा कि जैसे विश्व में कहीं ना कहीं जो ये अभी एंडेमिक जोन में ये कहीं ना कहीं ये होते रहेगा और ये जो है वो धीरे धीरे इम्यूनिटी होकर के ये फेज आउट हो जाएगा जी। तो इसको लेकर के अभी किसी भी तरह के तनाव की जरूरत नहीं है और किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। बस यही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। अभी चूंकि इंडिया में ये नहीं है तो जो जरूरी सावधानी है सावधानी करते रहें, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के किसी भी तरह का हेजिटेशन ना रखें। जब कभी भी आपका मौका आए तब आप वैक्सीनेशन जरूर ले लें और लेने के बाद फिर जो है वो जब इस तरह से हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगी और ठीक हो जाएगा। तो चाइना और विश्व के कुछ भाग में जो ये फैल रहा है उसको लेकर चिंतित होने की आवश्यकता या किसी तरह के रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो है सतर्कता और सावधानी बरतते रहना। जी बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष, हम लोग बात कर रहे थे हाइपरटेंशन की, तो किसी भी व्यक्ति को अपना ब्लड प्रेशर कितने दिन के अंतराल के बाद मेजर करना चाहिए और इसको कैसे इसका मैनेजमेंट करना चाहिए? जो सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं उसे, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है तो हमेशा आपको, ऐसा ये जरूरी नहीं है कि हर दिन आप नापते रहें जी। आप जो है महीने में एक बार जो है वो आप नाप सकते हैं या हर एक उम्र के साथ, जैसे होता है जैसे 50-60 साल में अगर आपके फैमिली में अगर ये ज्यादा लोग ये देखा गया, आपके भाई बहन माता पिता इन लोगों को अगर है तो आपको ज्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करने की जरूरत हो सकती है, जैसे कि महीने में एक बार। अगर आपका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन रह रहा है जैसे 140-90 105 के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा रह रहा है जी, तब आपको और ज्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना है, लाइफ स्टाइल में अपने चेंज लाना है। और जैसे ही ये 140-90 से ज्यादा हो और बार बार ज्यादा रहने लग जाए, 2-3 बार नापने का अलग अलग समय पर अगर आपको 140-90 से ज्यादा रह रहा है तब आपको डॉक्टर से मिल करके इससे संबंधित जो है वो दवा शुरू करनी पड़ सकती है जी। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर पीयूष, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद और आभार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपके माध्यम से देशवासियों से अपने विचार साझा करने का मौका मिला, स्वास्थ्य संबंधी उनके प्रश्नों का जवाब देने का मौका मिला, आपको बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आपसे भी यही कहेंगे कि डॉक्टर पीयूष ने आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए, आप अपने खान पान और स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है airnstalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।